दरख्तों पर चढ़ी बकरियों से लेकर अपने ही दोस्तों को चीर फाड़ कर खाने वाले बनमानस तक, आज हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे हैवानात की दुनिया से चंद ऐसे अजीबोगरीब मनाज़िर जो कैमरे की आंख में कैद कर लिए गए। मैं हूं शेख अवैस और आप देख रहे हैं पुरसरार दुनिया। नाज़रीन, बकरी दुनिया के बेज़रर और भोले भाले जानवरों में से एक है जिनकी मासूमाना शरारतें देखकर कोई भी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। मिसाल के तौर पर इन नटखट बकरियों को ही ले लीजिए जो झुकी टहनियों से पत्ते खाते हुए उनके ऊपर ही चढ़ गए। दोस्तों, ये मंजर है मोरक्को का, जहाँ चरागाहों की कमी के सबब ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। जहाँ बकरियों को हरा भरा दरख्त मिला, वहीं उस पर टूट पड़ी और बालाई टहनियों को भी न छोड़ा। यानी ये कहा जाए कि भूख ने उन्हें दरख्तों पर चढ़ने और अपना तवाजुन बरकरार रखना सिखाया तो गलत ना होगा। दोस्तों, चिंपैंजी ज्यादातर फलों पर गुजर बसर किया करते हैं, अलबत्ता कभी कभार उन्हें शिकार करते भी देखा गया है। इसे बुग़्ज़ो इनात कहा जाए या फितरत, मगर उनका निशाना ज्यादातर दीगर अनवा के बंदर बनते हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 1990 की दिहाई तक उन्होंने क्लॉबसिस की आधी नस्ल का सफाया कर दिया। क्लॉबसिस की तादाद कम होने पर चिंपैंजी दीगर नस्लों का शिकार करने लगे। ताहम हैरान कुर और खौफनाक अमर ये रहा कि मौका मिलने पर उन्होंने अपने ही हम नौ चिंपैंजियों को भी न छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, चिंपैंजी हकीकी तौर पर अपने ही भाइयों के खून का प्यासा हो सकता है, आपने कभी सोचा भी ना होगा। नाज़रीन, चलिए कदरे खुशगवार वीडियो देखते हैं जिसमें तीन फेल मुर्ग किसी जाहिरी वजह के बगैर एक दरख्त के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। करीब कड़े कुछ लोगों ने ये मुसीका खेज मंजर देखा तो उसे अक्स बंद कर लिया। बज़ाहिर इस अजीब और गरीब हरकत की कोई मंतकी वजाहत नहीं, मगर दोस्तों, फेल मुर्ग के लिए यूं दायरे में हरकत करना एक मामूल की बात है। दरअसल खतरा महसूस करने पर ये झुंड की शक्ल अख्तियार करने को तरजीह देते हैं। बस इसी कोशिश में बसा औकात एक फील मुर दूसरा तीसरे और फिर तीसरा पहले का पीछा करने लगता है और यूं एक दायरे की तश्कील होती है। और इस बेतुके डांस को कुछ लोग शैतानी रक्स के नाम से भी मंसूब करते हैं। मॉनिटर नस्ल की छिपकलियां दौरे हाजिर की कवी तरीन छिपकलियां हैं, मगर उकाब और चीले इसे भी शिकार बना लिया करती है। तहम कभी आपने उकाब को छिपकली पर सवारी करते देखा है? गालिबन नहीं। तहम ये अनोखा और नायाब मंजर कैमरे की आंख में रिकॉर्ड कर लिया गया। नाज़रीन, वीडियो में मॉनिटर छिपकली सड़क पार करने वाली थी कि एक उकाब उस पर सवार हो गया। यकीनन उसका असल मकसद शिकार ही था, मगर झूले मिलने पर उसने कुछ देर को महसूस होने का फैसला किया। अलबत्ता सड़क के दूसरे किनारे पर पहुंचकर छिपकली की हिम्मत जवाब दे गई और उकाब ने उसे नवाला बना लिया। तो दोस्तों, झूला लेने के साथ साथ दावत भी उड़ा ली। इसे कहते हैं एक टिकट में दो शो देखना। अजीज दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन पर रेंगने वाले सांपों की कुछ नस्लें उड़ने का हुनर भी जानती हैं? आज तक इन उड़न सांपों की 5 इनवा दरियाफ्त हो चुकी हैं, जो हवा में उड़कर खातिर खा फासला तय करने की काबिलियत से नवाजे गए हैं। इनकी जाहिरी साख आम सांप से मुशाबहत रखती है और ये अपनी उड़ने की सलाहियत का इस्तेमाल शिकार की गर्ज से करते हैं। ये सांप बुलंदी पर पाए जाने वाली शाखों के किनारों पर पहुंचकर किसी दूसरे दरख्त की पस्त शाख का तायुन करते हैं और अपनी दुम से तमाम धड़ को आगे की जानिब धकेल देते हैं, जिससे ये हवा में ग्लाइड करते हुए मतलूबा शाख पर आन पहुंचते हैं। दोस्तों, उड़ान के लिए ये सांप ज्यादातर 50 से 60 फीट की बुलंदी को तरजीह देते हैं, जहाँ से हवा में तैरते हुए ये 100 मीटर तक का उफकी फासला तय कर सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें ग्लाइडिंग स्नेक्स भी कहा जाता है। नाज़रीन, इनमें से कौन सी वीडियो आपको निहायत अनोखी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसरार दुनिया के प्लेटफॉर्म से कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।